एक वेद्रवती नाम की एक कन्या थी जो भगवान विष्णु की तपस्या कर रही थी। रावण जबरन उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था, तो वेद्रवती ने योग क्रिया द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया और रावण को श्राप दिया, मेरे ही द्वारा तेरा संहार होगा, तुझे मारने के हित में अवतार हमारा होगा। अग्नि देव ने वेद्रवती की आत्मा को अपने तन में समाहित कर लिया। एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए भगवान राम आश्रम से बाहर चले गए। सीता जी के कठोर वचन सुनके लक्ष्मण जी भी राम जी के पीछे पीछे चले गए। तत्पश्चात राक्षस राज रावण सीता को हर ले जाने के लिए आश्रम के समीप आया। उस समय अग्नि देव भगवान राम के अग्निहोत्र गृह में विद्यमान थे। अग्नि देव ने रावण की चेष्टा जान ली और असली सीता को साथ में लेकर पाताल लोक अपनी पत्नी स्वाहा के पास चले गए और सीता जी को स्वाहा की देखरेख में सौंप कर लौट आए। अग्नि देव ने वेद्रवती की आत्मा को अपने तन से अलग करके सीता के समान रूप वाली बना दिया और पर्णशाला में सीता जी के स्थान पर उसे बिठा दिया। रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में ला बिठाया। तदंतर रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेद्रवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्नि देव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनकनंदिनी सीतारूपा लक्ष्मी को लाकर पुनः श्री राम जी को सौंप दिया और वेद्रवती रूपी छाया सीता के अपने तन में समाहित कर लिया। तब सीता जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु इस वेद्रवती ने बड़े दुख सहे हैं। ये आपको पति रूप में पाना चाहती है, इसलिए आप इसे अंगीकार कीजिए। भगवान राम ने कहा, समय आने पर मैं इसे पत्नी रूप में जरूर स्वीकार करूंगा। समय बीता, राजा आकाश राज यज्ञ करने के लिए आरणी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। सोने के हल से पृथ्वी जोती जाने लगी। तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा, पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई है जो कमल की शैया पर सोई हुई है, सोने की पुतली सी शोभा पा रही है। राजा ने उसे गोद में उठा लिया और यह मेरी पुत्री है, ऐसा बार बार कहते हुए महल की ओर चल दिए। तभी आकाश बाणी हुई, राजन वास्तव में ये तुम्हारी ही पुत्री है, इस कन्या का तुम पालन पोषण करो, यह कन्या वही वेद्रवती है। राजा के कुलगुरु ने इस कन्या का नाम पद्मावती रखा। धीरे धीरे समय बीता, कन्या युवा हुई। कन्या का विवाह वेंकटाचल निवासी श्री हरि से हुआ। यह वही वेद्रवती छाया रूपी सीता है जिसे संसार पद्मिनी, पद्मावती, पद्माल्या के नाम से जानते हैं।